إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين इमाम अत-तबरानी ने अपनी किताब अल-मुअज्जमुल कबीर में एक हदीस नकल की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मेरे सहाबा को बुरा कहे, मन सब्बा असहाबी, जो मेरे सहाबा को बुरा कहे, फ़अलैहि लअनतुल्लाह, तो उस पर अल्लाह की लानत, वल मलाइका, और फरिश्तों की लानत, वन्नासी अजमाइन, और सारे लोगों की लानत। इस्लाम की तारीख का सबसे पहला तबका जिसको अल्लाह ताला ने अपने नबी की सोहबत के लिए इख्तियार किया, ये ज़माने के एतबार से भी पहल करने वाले थे कि इस उम्मत के तमाम तबक़ात में सबसे पहला तबका ये है। लेकिन ये सिर्फ ज़मानी तक़द्दुम नहीं है, टाइम के हिसाब से वो पहले आए हम बाद में आए, ऐसा नहीं है, बल्कि सिफ़ात और औसाफ़ के एतबार से, ईमान और अमल के एतबार से, कुर्बानियों के एतबार से भी देखा जाए तो उनका मयार बाद वालों के मुकाबले में बहुत ऊंचा है। वो ईमान के एतबार से भी बेहतरीन अफराद थे और इबादात के एतबार से भी बेहतरीन अफराद थे, खूबियाँ और सिफात के एतबार से, औसाफ के एतबार से भी बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह के दीन के लिए, बाद वाले चाहे कितना ही कर लें उनकी बराबरी नहीं कर सकते। अब अगर कोई आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में ज़बान दराज करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे, उनके बारे में ऐसी बात कहे जो बुरी बात हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से पेशगी तौर पर ऐसे आदमी के बारे में मलऊन होने का फतवा सादिर हो चुका है। और सिर्फ आपकी तरफ से नहीं, बल्कि आपने कहा कि जो मेरे सहाबा को गाली दे, जो मेरे सहाबा को बुरा कहे, सब्बा के माना होते हैं गाली देना, बुरा भला कहना जिसको हमारे यहाँ पर कहा जाता है, लान तान करना, शान में गुस्ताखी करना, ऐब जोई करना, ऐब लगाना। तो जो मेरे सहाबा को बुरा कहे, फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नासि अजमाइन, उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत उस पर है। इसलिए कि इस दीन के अलमबरदार वो अफराद जिनके साथ मिलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दीन के सिलसिले में तकलीफ़ें उठाई और क़ियामत तक के लोगों के लिए दीन की इमारत को मजबूत किया, ऐसे अफराद जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर कदम पर साथ दिया, आपकी तकलीफ़ों में आपके साथ रहे, आपकी हिफाजत करते रहे, आपके लिए ढाल बनकर अपने सीने पर लोगों के फेंके हुए तीर और भालों को लेते रहे, आपकी भूख में भूखे रहे, आपकी खुशियों में खुश रहे, आपकी तकलीफ़ों पर खुद रोए, आपके फिराक के गम से जिनकी नींदें खराब हो जाती थी। ये जो अफराद हैं इनके एहसानात जो उम्मत पर हैं, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक जुमले को महफूज रखा, अपने सीनों में संभाल कर रखा, जैसे सीप में मोती रहता है, और अगली उम्मत के अगली नस्लों तक उसको पहुंचाया, हिफाजत के साथ, दीन में कोई मिलावट नहीं की। हर बात को, हर अदा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलने फिरने, उठने बैठने, लेटने, करवट लेने, हर अदा को आपकी महफूज रखते उम्मत तक पहुंचाया। इस तबके के बारे में जबान दराज करना एक आदमी के जहालत और बददीनी की सबसे बड़ी दलील है, क्योंकि सारा दीन अगर आप देखें तो चाहे वो कुरान हो, चाहे हदीस हो, इसके नकल करने वाले कौन हैं? कुरान भी नबी से मिला और हदीस भी नबी से मिली, लेकिन नबी से लेकर दूसरों को देने वाले कौन हैं? अगर इस बुनियादी और पहले तबके ही को अगर दीन में मजरूह करार दिया जाए, इनके बारे में बुरी बात कही जाए, तो बाकी सारा दीन सवालिया निशान उसके लिए खड़ा हो जाता है कि फिर कुरान भी महफूज है कि नहीं है, हदीस भी महफूज है कि नहीं है। और ये बहुत बड़ी जुर्रत और बदबख्ती की चीज़ ये उन लोगों से सादिर हुई जो अपने आप को अहले बैत के मुहिब्ब और महब्बत करने वाले करार देते हैं। शिया हजरात की जहां और बुराइयां हैं, वहीं एक बहुत बड़ी बुराई ये है कि उन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात सहाबा पर लगाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब के सब सहाबा, बस कुछ सहाबा को छोड़कर सब के सब मुर्तद हो गए, नऊज़ बिल्लाह। बहुत से लोगों ने शिया हजरात में से, बल्कि अक्सर अगर आप कहें सब के सब कहें तब भी कोई गलत बात नहीं होगी, मुबालगा नहीं होगा, बल्कि उनकी अक्सरियत ने ये बात मानी और उनका अकीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नऊजुबिल्लाह दीन से फिर गए। खुमैनी वगैरह ने अपनी किताबों में, कश्फुल असरार और इस तरह की किताबें, मैं इंशाअल्लाह शिया के बारे में जब गुफ्तगू होगी तो तफसीली होगी, अभी उसको नहीं छेड़ेंगे। सहाबा के बारे में, खुसूसन शेखैन के बारे में, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा कि जहन्नम में सबसे ज्यादा सख्त और बुरा अजाब होगा। वो क्या अजाब होगा? कि आग की पेटियों में, संदूकों में बंद किया जाएगा। किसको? अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कौन है ये लोग? क्या बोल रहे हैं? अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महब्बत अपनी जगह है, और हम भी महब्बत करते हैं, हम भी अहले बैत से महब्बत करते हैं, लेकिन किसी को बाप से महब्बत है तो चचा से नफरत करे, माँ से नफरत करे, ये तरीका इस्लाम का नहीं है। किसी एक से महब्बत दूसरों से बुग़्ज़ पैदा करने पर अगर आमादा करती है तो ये महब्बत ऐबदार महब्बत है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे महब्बत करते हैं उससे महब्बत करना ये ईमान है। चाहे ज़ाती तौर पर उससे महब्बत हो या नहीं हो, किसी एक मुसलमान से ज़ाती तौर पर महब्बत नहीं है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान से महब्बत का हुक्म दिया है और उसको ईमान की अलामत बताई है, जन्नत में दुखूल का जरिया बताया है। अब अगर एक आदमी किसी पहचान वाला नहीं है, वो मुसलमान है, बस महब्बत उससे करता है, ये उसके ईमान की दलील है। और एक आदमी सहाबा के बारे में अपने दिल को और अपनी जबान तक को खराब करने पर आ जाए तो ऐसा आदमी अल्लाह के नज़दीक और फरिश्तों के नज़दीक और सारे लानत करने वालों के नज़दीक और खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक लानत का हकदार है। ये खुद अपने आप को अल्लाह की तराजू में गैर मोतबर और बुरा करार देता है। यही वजह है कि वक्तन फवक्तन सहाबा के बारे में बताना पड़ता है कि ये सहाबी कैसे थे, और इंशाअल्लाह मुस्तकबल में भी एक एक सहाबी को हम लेकर उसकी ज़िंदगी के बारे में और हदीसों में और कुरान में भी कहीं कहीं इशारे जो आए हैं बदरी सहाबा के बारे में या सुलह हुदैबिया के वक्त में सहाबा ने जो भी बैत की थी उस वक्त में, तो इस तरह से सहाबा के बारे में एक एक सहाबी, किसी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने हज़रत अनस के बारे में कुछ कह दिया, किसी ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कह दिया। शिया हजरात बहुत चिढ़ते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से, बल्कि उनकी बात किताबों में लिखा है। जब मैं शियत पर बात करूंगा तो उसमें इंशाअल्लाह सारी चीज़ जिक्र करूंगा। मकसूद ये है, कोई आदमी कहता है शिया के बारे में आप क्यों कह रहे हो, हम कहेंगे शिया के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम सहाबा का दिफा कर रहे हैं। क्या आप सहाबा के बारे में कुछ भी बोले उनका दिफा न किया जाए और आपके बारे में कहा जाए आपको बुरा लगे, ये गलत बात है। आप जब दूसरे के बारे में बुरा कह रहे हो तो क्या हम दिफा नहीं करेंगे? कोई आदमी किसी के बाप और किसी की माँ के बारे में कुछ कहने लगे उसको गुस्सा नहीं आएगा? हमारी अपनी माँ है, उसके बारे में कोई कहे बर्दाश्त करेंगे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला पूरी उम्मत की माँ है, नबी की चहेती बीवी है, उनके बारे में कोई आदमी जबान दराज करे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? हम हाथ से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जबान से तो हम कह सकते हैं कि उनका दिफा तो कर सकते हैं, बता सकते हैं सही क्या है गलत क्या है, हक क्या है बातिल क्या है, बता नहीं सकते हैं। अबू बकर और उमर और आयशा और अबू हुरैरा और कितने साहब आए, क्या कुछ नहीं कहा उन लोगों ने। ये बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं, लेकिन अहले बैत का जहां नाम आ जाता है फौरन शिया की सारी सुन्नतें इख्तियार करके वो सारे शिरकियात और खुराफात में आज सुन्नी मुब्तला हो जाता है। शर्म की बात है, सोचने की चीज है। अहले बैत अपनी जगह है, बाकी सहाबा क्या कसूरवार हैं? क्या उनकी खिदमात नहीं है? क्या उनके मरातिब और दर्जात नहीं है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन लोगों ने साथ नहीं दिया? क्या उन्होंने कुर्बानियां पेश नहीं की? तो सिर्फ अहले बैत हैं, उनका अपना हक है, लेकिन बाकी सहाबा भी तो हैं, बाकी सहाबा भी तो हैं। तो ये चीज़ अक्सर लोग भूल जाते हैं और अहले बैत की मोहब्बत के बहाने सहाबा के बारे में लान तान करना, हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला की ताज़ीम और उनकी शहादत के नाम पर रो धोकर सहाबा पर लानतें करना, ये आम तौर से शिया का तरीका रहा है। इसलिए सुन्नी हजरात को, अहलुस सुन्नह वल जमाअह को इस बारे में होश में आना चाहिए। वाकई है कि आज समाज में ताज़िया से लेकर मुहर्रम से लेकर और कुंडे से लेकर, कुंडे क्या है? कुंडे भी तो वही है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात के ऐन दिन ये मनाया जाता है और शिया को बहुत चिड़े हजरत मुआविया से, ऐन उसी दिन मनाया जाता। कितनी रस्में हमारे आ चुकी हैं और ख़ासतौर से मुगलिया दौर में बहुत सारी चीज़ें शिया की हमने मिन व अन तस्लीम कर ली। आज सुन्नतें पेश किए तो आज मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, लेकिन मुग़ल दौर में कई चीज़ें शिया की मुसलमानों में आ गई। ताज़िए क्या हैं? हमारा ये बताइए, सहाबा ने किया हो इस तरह से, सलफ़ ने किया हो, इमामों ने किया हो इस तरह से, चारों इमामों से किसी ने ताज़िए बनाए? आज मुसलमान उसको बना बना के नाच रहा है उसके सामने, कहाँ हमारा दीन है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वाकई दीन क्या है इसको समझने की कोशिश करें और सहाबा का मर्तबा समझने की कोशिश करें। ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है जिसमें पिछले 2 दुरूस में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कुछ बातें सामने आई थी, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि यही 2 सहाबी हैं जिनके बारे में इतना जहर उगलाया शिया हजरात ने कि अगर कोई आदमी वो सुने रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसके। इतनी सारी बातें उनके बारे में कही। हज़रत उमर के बारे में तो छोड़ दीजिए, उनके बारे में तो बहुत कुछ है। उनकी दीनी शिद्दत और गैरत और सख्ती और उनकी खिलाफत के दौर का लंबा होना शिया पर बहुत भारी पड़ता है, इसलिए ऐसे ऐसे जुमले कहें आदमी दुश्मन के बारे में नहीं कहेगा। यहाँ मकसूद ये नहीं कि किसी को किसी के खिलाफ गुस्सा दिलाया जाए, मकसूद ये है कि वाकई ये सहाबा हैं जिनका हक उम्मत पर है और इनके बारे में जो कुछ बातें कही गई हैं उनका दिफा ज़रूरी। आज भी वो बातें शिया हज़रात करते हैं। यह और बात है कि उनके नज़दीक तकिया भी है, वो अपने दीन को छुपाते हैं, अपने अकायद को छुपाते हैं, अपनी बातों को छुपाते हैं, लेकिन अपनी इनफिरादी मजालिस में उनके आपसी बयानात में चीज सुनने आती। मेरे पास खुद मौजूद है उमर के बारे में क्या क्या कहा है, यानी आदमी के नसब तक आदमी हमला कर दे, हलाल है हराम औलाद है यहां तक ही बोलना शुरू कर दे, आप बताइए कैसा बर्दाश्त करेगा कोई आदमी? ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला यानी हम सबको हिदायत अता फरमाएं और वाकई सही और गलत क्या है ये समझने की तौफीक अता फरमाएं। इसी में से ये जो सिलसिला है इसमें आज इंशाअल्लाह इस मौजू से मुतालिक आखिरी दर्स होगा, जिसमें ख़ास तौर से मैं इसी मौजू को छूना चाहता हूँ, इसलिए कि शिया हज़रात के नज़दीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिलाफत के हकदार नहीं थे, बल्कि उनके तो इस्लाम ही के ये मुनकिर हैं, तो खिलाफत तो बहुत दूर की बात है। वो कहते हैं कि असल हकदार खिलाफत के अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, लेकिन उनकी खिलाफत के ऊपर किसने कब्जा कर लिया? अबू बकर व उमर थे। ये जो बात है ये शिया हजरात मानते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अली का हक छीना है। ये कौन कहता है? शिया हजरात कहते हैं। तो जाहिर बात एक मुसलमान के सामने अगर ये बात कही जाए, एक ऐसे फर्द के सामने जो अहले सुन्नह वल जमाअह में से है, उसके सामने बातें कही जाए तो बाद औकात चकरा सकता है कि वाकई ऐसा है कि नहीं, क्योंकि हज़रत अली भी हमारे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी हमारे, और वो तो खानदान में से थे, आपके भाई थे, आपके दामाद थे, बचपन में ईमान लाए थे, इतनी सारी फजीलतें उनकी भी हैं। तो अगर किसी मुसलमान के सामने ये बातें बयान की जाएं, अगर किसी सुन्नी के सामने बातें बयान की जाएं, तो थोड़ी देर के लिए बाज़ औक़ात और कभी कभी तो ज़्यादा देर के लिए वो डगमगा जाता है। आजकल इंटरनेट पे आदमी जाके जो सामने आ रहा है लेना शुरू करता है, देखता नहीं सही क्या गलत क्या है। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़रूरी है कि वाकई हकीकत क्या है, इसको हम जानें। आइए देखते हैं अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल और उसके बाद उनकी खिलाफत से मुतालिक क्या बातें हदीस में आई हैं। पिछले दुरूस में आपने देखा जो बातें फजीलत में उनकी मौजूद हैं। आइए देखते हैं उससे आगे और क्या हदीसें हैं जो ख़ास उनके बारे में आई हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, तुम में से आज कौन रोज़ादार है, कौन है आज जो रोज़े से है? क़ाल अबू बकरिन आना, अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं। क़ाल फमन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, कौन है तुम में से जिसने आज जो आज जनाजे के साथ चला है, जिसने जनाजे के पीछे पीछे कौन गया आज? काला अबू बकरिन अना, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं। काला फमन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीन, कौन है तुम में से आज जिसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? काला अबू बकरिन अना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं। काला फमन आद मिनकुमुल यौम मरीदन, कौन है जिसने आज किसी मरीज की इयादत की, बीमार से मिलने गया? काला अबू बकरिन अना, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं गया था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज्तमअना फ़ी इम्रिइन इल्ला दख़लल जन्नह, ये चीज़ें जिस आदमी में जमा हो जाएं वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। और एक रिवायत में आपने फरमाया, ये मुस्लिम की रिवायत है, अल अदबुल मुफ़रद की रिवायत है, आपने फरमाया मज्तमा हादिहिल ख़िसालु फ़ी रजुलिन फ़ी यौमिन इल्ला दख़लल जन्नह, जिस इंसान में ये सारी बातें एक दिन में जमा हो जाएं वो ज़रूर जन्नत में जाएगा। आप सोचिए क्या क्या काम है रोज़ेदार होना अरब के मैदान में, रेगिस्तान में रोज़ादार, फिर उसके बाद में जनाजे के पीछे जाना कितना वक्त लगता है, जनाजे के पीछे जाना, उसके दफन तक शरीक रहना, फिर खुद भूखा रह के मिस्कीन को खाना खिलाना, मिस्कीन को खाना थोड़ा वक्त लगता है, खाना बनाना, लेना, जाकर खिला के आना, और उसके बाद किसी बीमार के पास जाना, उसकी हाल को देखना, उसकी मदद करना, जो भी है उसका ख्याल रखना, बीमार कुर्सी करना, कितना वक्त लगता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उन सहाबा में से थे जिन्होंने अपने औकात को ताआत से पुर कर दिया था। उनका टाइम, उनके पास गैर ज़रूरी चीज़ों के लिए वक्त ही नहीं हुआ करता था। उनके आमाल, उनके औकात नेकियों से भरे हुए थे, कभी बीमार कुर्सी कर रहे हैं, कभी किसी को खाना खिला रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, जनाजे के पीछे जा रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं। तो आपने फरमाया कि जिस इंसान में ये चीज़ें एक दिन में जमा हो जाएं वो आदमी क्या है, वो जन्नती, जन्नत में जाएगा। इसको मुस्लिम ने रिवायत किया। एक रिवायत में आप फरमाते हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अनफ़क़ ज़ौजैनि फ़ी सबीलिल्लाहि नूदिया मिन अब्वाबिल जन्नह या अब्दुल्लाह हादा खैर। जिस आदमी ने अल्लाह की राह में दो दो चीजें सदका की, खजूर भी दे रहा है तो दो, जो भी माल दे रहा है, चीजें दे रहा है, दो दो देता है, एक नहीं दो दो देता है, एक भी देना नहीं की है। लेकिन जो आदमी दो दो चीजें देने वाला बने हो तो और भी ज्यादा दे रहा है। जिसने दो दो चीजें, जोड़ी जोड़ी चीजें अल्लाह की राह में सदका की, उसको जन्नत के दरवाजों से पुकारा जाएगा, ए अल्लाह के बंदे ये दरवाजा अच्छा है, यहां से दाखिल, यहां से दाखिल। और आपने फरमाया, फमन कान मिन अहलि सलाती दुइया मिन बाब सलाह, जो नमाजियों में से होगा, जो फर्ज नमाज के अलावा नवाफिल का बेहतमाम करे, नमाज उसकी जिंदगी में छाई हुई हो, उसको नमाज के दरवाजे से पुकारा जाएगा, बाब उस सलाह से पुकारा जाएगा। वमन कान मिन अहलिल जिहादी दुइया मिन बाबिल जिहाद, और जो अहले जिहाद में से होगा, जिसकी जिंदगी में जिहाद गालिब हो, तो ऐसे आदमी को जिहाद के बाब से पुकारा जाएगा, उस दरवाजे से पुकारा जाएगा। वमन कान मिन अहलि सियाम दुइया मिन बाबिर रय्यान, और जो रोजेदारों में से हो, रोजे के लिए रोजे का खास एहतमाम करता हो, उसको बाबुर रय्यान से पुकारा जाएगा। वमन कान मिन अहलि सदक़ती दुइया मिन बाबिस सदक़ा, और जो सदका करने वालों में से होगा, उसको सदक़े के बाब से, सदक़े के दरवाजे बाबुस सदक़ा से पुकारा जाएगा। फ़क़ाल अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जब ये फजीलत सुनी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बि अबी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों। मा अला मन दुइया मिन तिलकल अब्वाब मिन दरूरतिन फहल युदआ अहद मिन तिलकल अब्वाब कुल्लिहा। कहा कि ऐसा जरूरी तो नहीं है, लेकिन क्या ऐसा भी कोई आदमी होगा जिसको इन तमाम दरवाजों से पुकारा जाए? ऐसा भी कोई होगा कि नमाज वाले दरवाजे से उसको पूरा, नमाजी भी है वो, रोजेदार भी है, जिहाद में भी पीछे नहीं रहता है, सदकात में भी पीछे नहीं रहता है, हर नेकी में आगे है, हर नेकी उसकी जिंदगी का गालिब हिस्सा लिए हुए है। ऐसा भी कोई होगा क्या कि जिसको इन सारे दरवाजों से फरिश्ते पुकारे, यहां से यहां से यहां से आप? ऐसा भी कोई होगा? आपने फरमाया, नाम व अर्जु अन तकून मिनहु। आपने फरमाया, हाँ ऐसा होगा, और मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि तुम उन्हीं में से होगे जिसको सारे दरवाजों से पुकारा जाएगा। एक जन्नत के दरवाजे से गिरते पड़ते भी जाने को मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। मारपीट के भी भेजे जा अंदर, अब बाहर वापस आना नहीं, कितनी खुशी की बात है। अंदर जाके शुक्र करेंगे, आ गए भाई, अब बाहर नहीं। लेकिन उस आदमी का क्या हाल होगा? आइए यहां से, आइए इस दरवाजे से आइए। यानी फरिश्तों की इज्जत हो रही है कि आप हमारे यहां से आओ, ये दरवाजे पे मैं दरबार हूं, आप यहां से आओ, यहां हमारी इज्जत बढ़ जाएगी आप अगर हमारे दरवाजे से जाओगे। ऐसा कौन होगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या फजीलत है, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कान उमर यकूल, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अक्सर कहा करते थे, अबू बकर सय्यदुना, अबू बकर हमारे सरदार हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा आदमी बोल रहा है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उमर की जबान और उसके दिल पर हक को जारी किया है। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होती। जिस रास्ते से उमर जाते हैं, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है, उस रास्ते से शैतान नहीं जाता है। वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कह रहे हैं कि अबू बकर सय्यदुना व अअतक़ सय्यदना यानी बिलाल। अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमारे सय्यद हैं, हमारे सरदार हैं, जिन्होंने हमारे सरदार को आजाद किया है। कौन? बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। सहाबा क्या क्वालिटी देखिए, यानी ये वो सहाबी हैं जिन्होंने इस उम्मत के पहले मुअज्जिन को आजाद किया, इस उम्मत के उस शख्स को आजाद किया जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बिलाल, रात में मैं जन्नत में गया तो मैंने तुम्हारी जूतियों के घिसटने की आवाज सुनी, क्या अमल है तुम्हारा? कहा अल्लाह के रसूल, जब भी दिन रात में मेरा वजू टूट जाता है फौरन वजू कर लेता हूं और 2 रकत पढ़ता हूं। कितना मुश्किल है, इतनी बड़ी फजीलत वाले सहाबी कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजान देते थे और अजान देने के बाद आपके घर आते थे कमरे की तरफ और आके आपको आवाज दे के आपको कहते थे वक्त हो गया अल्लाह के रसूल नमाज का, आपको बुला के ले जाते थे। और इंशाअल्लाह हज़रत बिलाल के बारे में तफसीलन हम कभी दर्स लेंगे। तो ये बिलाल रज़ी अल्लाह तआला जैसी बड़ी शख्सियत के आज़ाद करने वाले कौन हैं, ये शर्फ किसको हासिल है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि उन्होंने बिलाल रज़ी अल्लाह तआला को आज़ाद किया। इसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जर्रा सौबहु ख़ुयला लम यंज़ुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामह, कि जो तकब्बुर के तौर पर, फखर के तौर पर अपना कपड़ा घसीटता हुआ चले, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। कितने मुसलमान हैं जो जिनका कपड़ा जमीन पर घिसटता है, पतलून है, लुंगी है, जुब्बा है, जमीन पर घिसटता है और इसको फखर की चीज समझते हैं। देखिए दो बातें हैं, एक तो फखर समझ के करे, घमंड के तौर पर ये करे, अल्लाह देखेगा भी नहीं, और अगर घमंड के तौर पर नहीं भी हो तो टखनों से नीचे अगर जाता है तो जहन्नम में उतना हिस्सा जलेगा। ये दो अलग वहीदे हैं, चाहे घमंड से ना हो, इसकी मुस्तकिलन हदीसें हैं। तो आपने कहा कि जो आदमी फखर के तौर पर, घमंड के तौर पर अपना कपड़ा लटकाता है, घसीट कर चलता है, अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फ़क़ाल अबू बकर, इसकी फिक्र सबसे पहले किसको हुई? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। फ़क़ाल अबू बकर इन्न अहद शिक़्क़ई सौबी यस्तरख़ी, और इमाम अहमद की रिवायत में है कि इन्नहु यस्तरख़ी इज़ारी अहयान, कि मेरी इज़ार कभी कभी नीचे खिसक जाती है, मेरा तहबंद, लुंगी जिसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पर, मेरा तहबंद खिसक के कभी कभी नीचे चला जाता है। अहयानन, कभी कभी नीचे चला जाता है, टखनों से नीचे चला जाता है। इल्ला अन अताअहद ज़ालिका मिनहु, हालांकि मैं उसको वापस से सही कर लेता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ, लेकिन कभी कभी नीचे चला, कभी कभी बगैर इख्तियार के नीचे चला जाता है, तो डर रहे हैं। उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो मुस्तकिलन अपनी मर्जी से टेलर को नाप देते हुए कहते हैं थोड़ा और नीचे लो, कपड़ा कम थोड़ी है, कपड़ा कम नहीं है, हम क्या गरीब लोग दिखाई दे रहे हैं तुझको, थोड़ा और नीचे लो, थोड़ा और नीचे लो। कह रहे हैं कभी कभी खिसक के नीचे चला जाता है, तो क्या मैं भी इसमें आता हूं? मैं भी उन लोगों में आता हूं कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि जो इस तरह से लटकाए अल्लाह ताला उसको नहीं देखेगा। कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी फिर भी इजार मेरी नीचे चली जाती है, मेरा तहबंद नीचे चला जाता है। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नका लस्त तस्नअु ज़ालिका ख़ुयला, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो तकब्बुर के तौर पर ऐसा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के दिल में क्या है कि गवाही दी है, तुम उन लोगों में से नहीं हो जो घमंड के तौर पर ऐसा करते हैं। तो ये खौफ और तकवा के थोड़ी देर के लिए भी ऐसा कुछ हो जाए जो किसी वईद में आता है, जबकि वो इख्तियारी नहीं है, जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन हो जाता है ऐसा, तो क्या मैं उसमें आता हूं? आज आदमी अगर कोई वईद सुने जहन्नम की, फौरन क्या सोचता है? नहीं, मैं इसमें नहीं आता हूँ, ये दूसरे आते होंगे इसमें। हमारा हाल ये, अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये वो लोग हैं जो जन्नत की बशारतें सुन चुके थे, लेकिन जैसे ही कोई जहन्नम की वईद सुनते थे डरते थे कहीं मैं तो उसमें नहीं आता है, कहीं मैं तो उसमें नहीं आता हूं। यही वाकई तकवा है और ये कमाल तकवा है। इसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। इसी तरह से तवाज़ो का क्या हाल था? अच्छे लोग भी, मोहब्बत करने वाले भी आपस में कभी कभी उनमें बात खटक जाती है, लेकिन अच्छा इंसान वो है कि जो वक्ती गुस्से के तहत किए हुए इकदाम पर गौर करके अपने गुस्से को पी जाए और वापस जो पहली हालत थी स्टेबल, उस पर कायम हो जाए। मिसाल के तौर पर अबू दर्दा रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कानत बैन अबी बकरिन व उमर मुहावरा फअग़ज़ब अबू बकरिन उमर फंसरफ़ अन्हु उमर मुग़ज़बन। अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु में और उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु में एक दिन हुज्जत हो गई। इनमें भी होता था, इंसान है भाई, फरिश्ते हैं। किसी बात में इख्तिलाफ हो गया, बात बढ़ गई, हुज्जतबाजी हो गई, दोनों में थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया। फअग़ज़ब अबू बकरिन उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला की कोई बात ऐसी थी जिससे हज़रत उमर को गुस्सा आ गया। इन्होंने कुछ ऐसा कह दिया गुस्से में आके कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बात से हज़रत उमर गुस्सा हो गए। फंसरफ़ अन्हु उमर मुग़ज़बन, हज़रत उमर ने छोड़ दिया जगह, निकल गए, पीठ फेर के निकल गए, गुस्से में वो भी निकल गए। बात हुई दोनों में और हज़रत उमर को गुस्सा आ गया, छोड़ के निकल गए। फत्तबअहु अबू बकर यसअलुहु अन यस्तग़फिर लहु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पीछे पीछे चलने लगे और कहने लगे मुझको माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। के फत्तबअहु अबू बकर यसअलुहु अन यस्तग़फिर लहु, अरे भाई माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। फलम यफ़अल, हज़रत उमर ने माफ नहीं किया। हत्ता अग़लक़ बाबहु फ़ी वजही, यहां तक कि ये उनके घर तक गए, घर में जाने के बाद उन्हें अपना दरवाजा बंद कर दिया और ये सामने खड़े हुए हैं, उनके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। ये भी गुस्से वाले और वो भी गुस्से वाले, लेकिन वो फौरन स्टेबल हो जाया करते थे, इनको थोड़ा ज्यादा गुस्सा था, लेकिन इनका गुस्सा भी क्या था, अल्लाह की खातिर था। कोई बात होगी जिससे दोनों आपस में इख्तिलाफ करते थे, कभी हो जाता ऐसा। फक़ाल अबू दरदा फअक़बल अबू बकरिन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जब दरवाजा ही बंद कर दिया तो आदमी क्या करे, खटखटाएगा नहीं, बस चलो ठीक है, नहीं बात करना चाहते, ओके वापस। अब वो लौटे किधर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। फक़ाल अबू दरदा व नहनु इंदहु, हज़रत अबू दरदा कहते हैं हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे, बैठे हुए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ सामने से आए। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा साहिबुकुम हादा फ़क़द गामा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ को देख के कहा ये तुम्हारा साथी आज इसका कुछ झगड़ा हुआ है। सूरत देखे ही और मुख्तलिफ माना उलमा ने जिक्र किए, हाफिज इब्न हजर ने यही माना गामरा के यानी झगड़े में ये पड़ गए, किसी झगड़े में पड़ गई, यानी इनका कुछ तो झगड़ा हुआ है। काल वन्नदिम उमर अला मा कान मिनहु, हज़रत उमर का गुस्सा भी अगरचा थोड़ी देर तक चला, लेकिन हमेशा के लिए वो भी था नहीं, वो भी थोड़ा ठंडा हुआ और उनको नदामत हुई, मैंने अच्छा नहीं किया। घर तक आए माफी मांगने के लिए और मैंने वापस उनको दरवाजा बंद कर दिया, मतलब आने भी नहीं दिया अंदर। कहा कि वनदिमा उमर अला मा कान मिनहु, जो कुछ इनसे हुई थी बात उस पर इनको भी नदामत हुई। फअक़बला हत्ता सल्लमा व जलसा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लौटे वापस और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए। व क़स्सा अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ख़बर, हज़रत उमर ने खुद बताया अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा हुआ, हमारा थोड़ा सा झगड़ा हो गया हम लोगों का और ऐसा ऐसा मैंने किया। काला अबू दरदा व ग़ाज़िब रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मालूम है आपको कि ऐसा हुआ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गुस्सा आया, आप गुस्सा हो गए। लेकिन आपको जब गुस्से में देखा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला ने, वजअल अबू बकर यक़ूल वल्लाहि या रसूलल्लाहि ला अना कुन्तु अज़लम, जब देखा कि नबी मेरा गुस्से में है और अगर नबी किसी से गुस्से में हो जाए तो उसकी तो हलाकत है, और ये तो मेरा भाई है, थोड़ी सी झगड़ा हो गया हमारा और मेरी बात मुझको लगता है कि मेरी गलती थी, तो कहा अल्लाह के रसूल गलती मेरी थी, गलती मेरी थी, मैं ही जालिम था, मैंने ही जुल्म किया था। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल अंतुम तारिकून ली साहिबी, हल अंतुम तारिकून ली साहिबी, तुम मेरे साथी को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, तुम मेरे साथी को छोड़ोगे कि नहीं, क्यों सताते हो उसको, जरा छोड़ो इनको, ये माना है इसके, छोड़ो ना इनको, क्यों पीछा पकड़े हो इनका, क्यों सताते हो बात बात पर उसको। अबू बकर के बारे में कहा हल अंतुम तारिकून अली साहिबी, मेरे साहिबी, कौन साहिब हैं ये वगार के साहिब हैं, जो गार में एक ही साथी थे और कोई था नहीं। कहा कि क्या तुम मेरे साथी को, मेरे साहिब को, मेरे सहाबी को छोड़ोगे कि नहीं, इन्नी कुल्तु या अय्युहन्नास, क्या तुमको मालूम नहीं, मैंने एक वक्त था मैंने कहा था ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं तुम सब की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं, एक वक्त वो भी था। फकुल्तुम कदब्त, उस वक्त तुमने कहा था झूठ बोलते हो आप, तुमने मुझको झुठलाया था। वकाला अबू बकर सदक, ये वो आदमी था, ये वो साथी था मेरा, ये अबू बकर हैं जिन्होंने उस वक्त जब तुमने मुझको झुठला दिया था उस वक्त इसने कहा था कि आप सच बोलते हो। तुम इसकी कदर जानते हो कि नहीं जानते हो? जब सब ने मुझको झुठलाया था तब इसने मुझको सच्चा माना था। तुम इसको छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो? तुमको मालूम नहीं इसका मकाम क्या है। आप गुस्सा हो गए। इसको इमाम अल बुखारी ने तफसीर कुरान में जिक्र किया है। तो ये फजीलत है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। इसी तरह से अपने वालिद के बारे में हमेशा फिक्रमंद रहा करते थे। उनको दावत देते थे लेकिन वालिद मानते थे नहीं। उनके वालिद जब मक्का फतह हुआ तो पहली फिक्र अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की कि अपने वालिद साहब को लेके पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, क्योंकि वालिद मानते नहीं थे, हिजरत नहीं की थी, बाप ने मुसलमान नहीं हुए थे। तो मक्का जब फतह हुआ, मुसलमान मदीना से मक्का आए और मक्का फतह हो गया तो सबसे पहला काम अबू बकर सिद्दीक ने क्या किया, अपने वालिद साहब के पास गए, पकड़ के उनको लेके आए। कहाँ लेके आए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। अनस बिन मालिक कहते हैं जा अबू बकर बि अबी क़हाफ़ बि अबी क़हाफ़, कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अपने वालिद के साथ, अबू क़हाफ़ा उनका नाम था, उनको लेकर आए इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमी फतह मक्का, फतह मक्का के दिन लेकर आए। तो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लि अबी बकर, आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला से कहा लौ अक़ररत अश-शेख फी बैतिही ला अतैना, आपने कहा आप इन बुजुर्ग को अगर अपने घर में ही रहने देते हम खुद आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करें कि अगर इनको अपने घर में ही रोक लेते मैं खुद आ जाता इनसे मिलने के लिए। कितनी तवाज़ु वाले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रावी कहते हैं तकरीमतन लि अबी बकर, आपने ये जो जुमला कहा था ये किस वजह से कहा था? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इकराम में आपने कहा। अरे तुम क्यों लाए हो, मैं आ जाता तुम्हारी खातिर इनसे मिलने के लिए, तुम्हारे वालिद हैं, इनकी इज्जत मैं भी करूंगा। तो तुम अगर इनको, शेख को, इन बुजुर्ग को घर में ही रहने देते मैं खुद मिलने के लिए आ गया, बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो एक रिवायत में आप अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि या रसूल अल्लाह हुवा अहक्कु अन यमशी इलैका मिन अन तमशी इलैहि, कहा कि अल्लाह के रसूल ये आने के ज्यादा हकदार हैं, आप उनके पास जाएं, इससे ज्यादा जरूरी है कि ये आपके पास आए। आप इनके पास जाओगे आपका क्या मकाम है, इनको आपके पास आना पड़ेगा, आप थोड़ी इनके पास जाओगे। काला फअजलसहु बैन यदैहि, उन्होंने ला के अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने बाप को बिठाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। सुम्मा मसह सदरहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर हाथ फेरा बाप के और कहा काला लहु अस्लिम, क्या कहा उनसे, इस्लाम ले आओ। फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। अब कुछ बचा था, पूरी इस्लामी हुकूमत हो चुकी थी, मक्का भी फतह हो चुका था, आप कुछ बचा था नहीं, आपकी नबूवत और आपकी रिसालत पूरी स्टैब्लिश हो चुकी थी कि जिन लोगों ने आपको मक्का से निकाला था सब आज के दिन कैसे हो चुके थे, मगलूब हो चुके थे। आपका वो दावा कि अल्लाह मेरी मदद करेगा और मैं गालिब आऊंगा, अल्लाह का दीन गालिब आएगा, कुफ्र मिटेगा, शिर्क मिटेगा और एक दिन आएगा कि अल्लाह का दीन गालिब होगा, ये वादा पूरा हो चुका था। मक्का फतह हो गया, सबके सामने बात आ चुकी थी, कोई मामूली इंसान नहीं, ये वाकई अल्लाह के नबी है, अल्लाह ने इनकी मदद की है, अल्लाह का घर आज इनके कब्जे में है, जो चाहे ये फैसला करें। तो आपने कहा, एक ही लफ्ज कहा अस्लिम, इस्लाम ले आओ। फौरन वो इस्लाम ले आए। यहां देखने की चीज ये इमाम अहमद ने इसको रिवायत किया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे दौड़े दौड़े अपने बाप के पास गए और फौरन जाके लेकर आए। पहले इनको दुनिया तो है लेकिन आखिरत का मसला असल है कि इसी हाल में अगर मर गए मालूम नहीं क्या होगा, फौरन इनको चाहिए इस्लाम कबूल कर ले। फौरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए। तो ये इनकी फिक्र थी अपने बाप के सिलसिले में, दीन और ईमान और हिदायत की। इस उम्मत के सबसे अफजल शख्स कौन है? शिया कहते हैं अली हैं, लेकिन वाकई खुद हदीसों में क्या आया है आइए देखते हैं। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, कुन्ना नुखय्यिरु बैन अन्नास फी ज़मानिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में लोगों में सबसे बेहतर और अफजल कौन है कहा करते थे। फनुखय्यिरु अबा बकर थुम्मा उमर इब्न ख़त्ताब थुम्मा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु, इसलिए हम सबसे ज्यादा खैर वाले अफजल किसको कहा करते थे? अबू बकर सिद्दीक को, फिर उमर इब्न खत्ताब को, फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला। इसको इमाम अल बुखारी ने रिवायत किया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही में सहाबा आम तौर से ये बात मानते थे उम्मत में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर हज़रत उमर, फिर हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला। ये आम तौर से इस्टेब्लिश था सहाबा के बीच में। एक रिवायत में कुन्ना फी ज़मानि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला नअदिलु बि अबी बकर अहदन सुम्मा उमर सुम्मा उस्मान, इसको भी इमाम बुखारी ने रिवायत किया। कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आपके ज़माने ही में अबू बकर सिद्दीक के बराबर किसी को नहीं समझते थे। फिर इनके बाद मरतबा था हज़रत उमर का, फिर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला का। इसको भी बुखारी ने रिवायत किया। बल्कि खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी यही कहना था। आज शिया हज़रात इन रिवायत पर भी गौर करें। हज़रत अली के लिए जान देने वाले और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के लिए हम न थे कहने वाले और अहले बैत से महब्बत का दावा हज़रत अली की मातहती इख्तियार करने का दावा करने वाले, खुद उनकी बात को देखें कि हज़रत अली का कहना क्या था, अफजलियत के एतबार से कौन अफजल उम्मत में। वहाब अस्वाई कहते हैं, ख़तबना अली, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने हमको खुतबा दिया। फ़क़ाल मन ख़ैरु हाज़िहिल उम्मतु मिन उम्मती बअद नबिय्यिहा, खुतबे में पूछा लोगों से इस उम्मत में, इस उम्मत के नबी के बाद सबसे अफजल कौन है उम्मत में? कौन पूछ रहा है? अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु। कहते हैं फ़क़ुल्तु अंत या अमीरुल मोमिनीन, कहते मैंने क्या कहा, आप ए अमीरुल मोमिनीन आप सबसे अफजल हो। क़ाल ला, अली ने क्या कहा, नहीं मैं नहीं हूं। खैर हादिहिल उम्मती बाद नबीहा अबू बकरिन सुम्मा उमर, इस उम्मत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल कोई है तो अबू बकर हैं, उनके बाद उमर हैं। न अबू बकर सिद्दीक उस वक्त मौजूद हैं, न उमर रज़ियल्लाहु तआला मौजूद हैं, वो तो चले गए हैं। किसी से डर के बोल रहे हैं? डर के नहीं बोल रहे हैं। खुद हजरत अली खलीफा है उस वक्त मुसलमानों के और खुतबा दे रहे हैं और क्या पूछ रहे हैं, इस उम्मत का सबसे अफजल कौन है? एक आदमी मजमे में से कह रहा है कि आप हैं, कहा नहीं मैं नहीं हूं। इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर, फिर उसके बाद उमर रज़ी अल्लाह तआला। इसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, अन्ना रजुलन क़ाल या रसूलल्लाह रायतु कअन्ना मीज़ानन दुल्लिया मिन अस्समा, एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अल्लाह के रसूल मैंने देखा यानी ख्वाब में कि आसमान से एक तराजू लटकाई गई, आसमान से एक तराजू नाजिल हुआ। फवुज़िनता फ़ीही अंत व अबू बकर फरजहत बि अबी बकर, उस तराजू में आपको और अबू बकर को तोला गया तो आप भारी हो गए। आप बताइए नबी के साथ तुलने वाला क्या वैल्यू होगा, उसका क्या मकाम होगा। नबी भारी अपनी जगह है, लेकिन कोई लायक है नबी के साथ तोलने की? जिसको नबी के साथ तोला जाए उसकी लियाकत कितनी होगी, उसका मकाम क्या होगा। कहा कि आपको, आपके साथ अबू बकर को तोला गया, आप भारी निकला है। कहते हैं सुम्मा वुज़िना फ़ीही अबू बकरिन व उमर फरजह अबू बकरिन बि उमर, कहा कि फिर उसके बाद अबू बकर व उमर को तोला गया, भारी कौन निकला? अबू बकर। सुम्मा उज़िना फ़ीही उमर व उस्मान फरजह उमर बि उस्मान सुम्मा रुफ़िअ अल मीज़ान, कहते उसके बाद हज़रत उमर को हज़रत उस्मान के साथ तोला गया तो हज़रत उमर भारी हो गए, उसके बाद वो मीज़ान तराजू उठा ली गई, वो तराजू उठा ली गई। फस्तअलहा यानी तअव्वलहा, उसकी तावील ली गई। सुम्मा क़ाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख्वाब की तावील बयान की। काला खिलाफत नुबुवत, खिलाफतुन नबुवतुन सुम्मा युअतिल्लाहुल मुल्क मन यशा। खिलाफत नबुवत के मनहज पर होगी, फिर उसके बाद अल्लाह ताला जिसको चाहेगा बादशाही देगा। हज़रत अली से इख्तिलाफात शुरू हो गए, हज़रत अली के वक्त में इख्तिलाफात हो गए मुसलमानों में और खिलाफत बढ़ गई। तो आपने कहा कि खिलाफत नबुवत के मनहज पर होगी, उसके बाद अल्लाह चाहेगा जिसको बादशाहत अता करेगा। तो ये तीन सहाबी हैं जिनको तोला गया और भारी कौन निकले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फिर हज़रत उमर, उनसे हज़रत उस्मान से भारी निकले। इसको इमाम इब्न अबी आसिम ने अपनी किताब सुन्ना में रिवायत किया और अबू दाऊद और तिरमिजी में भी हदीस मौजूद है। इसी तरह से आपने फरमाया खिलाफत नबुवती 30 सना सुम्मा युअतिल्लाहुल मुल्क औ मुल्कहु मन यशा। खिलाफत नबुवत के तर्ज पर यानी हक तरीके से होगी। कितने साल? 30 साल होगी। 30 साल तक खिलाफत नबुवत के तर्ज पर होगी, फिर इसके बाद अल्लाह जिसको चाहेगा बादशाही अता करेगा। अपना मुल्क, अपनी बादशाह जिसको चाहेगा, यानी जमीन की हुकूमत अल्लाह जिसको चाहेगा देगा। काला सईद काल अली सफीना, सफीना सहाबी हैं, इस हदीस के नकल करने वाले। उन्होंने कहा अमसिक अलैका अबा बकरी सनतैन व उमर 10। गिनता चला जा अब 30 साल कैसे। कहा कि 2 साल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और 2 साल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के और 10 साल उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। कितने हुए? 12। व उस्मान 12 और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कितने? 12 साल। कितने हो गए? 24। और व अली कदा, और इसी तरह हज़रत अली का एक दौर है। ये अबू दाऊद और हाकिम की रिवायत है। इब्न अबी आसिम के अल्फाज हैं वह 6 अली और 6 साल हजरत अली के। तो 24 और 6 कितने हुए? 20। तो ये 4 सहाबी हैं जिनकी खिलाफत क्या है? नबुवत के तर्ज पर थी, यानी सही तरीके से इन्होंने खिलाफत की खिदमत अंजाम दी। इनमें पहला कौन है? जाहिर बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से तो चारों सही अपनी जगह। फिर ये शिया कहते हैं कि इनका हक था, उन्होंने मारा। कितने झूठे लोग हैं, कितने झूठे लोग हैं। ये हदीस क्या बता रही है कि 30 साल तक सही तरीके से नबुवत के तरीके पर खिलाफत चलती रहेगी। तो जो तरीका, जो भी मनहज पर और जो भी तरतीब से खिलाफत है बिल्कुल सही है इस हदीस के मुताबिक। लेकिन ये कहते हैं कि खिलाफत क्या है? छीनी गई हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से। बहरहाल आदमी अपने मुंह से जो चाहे कह सकता है, लेकिन हक़ायक़ बदल नहीं सकता है। रिवायात हमारे सामने, इसकी रोशनी में आदमी फैसला कर सकता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत के दलाइल में से क्या दलीलें हैं, इख्तिसारन आइए देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरअफ उम्मती भी उम्मती अबू बकर। इस उम्मत पर, सारी उम्मत में सबसे ज्यादा नरमी का सुलूक करने वाला अगर कोई है तो वह अबू बकर है। खलीफा के लिए एक सिफत यह भी होनी चाहिए कि वो अवाम पर नरम दिल हो, हर एक के दुख दर्द को समझता हो और उसके दुख दर्द में काम आए, उसको जो चाहिए वो दे। ये खलीफा की जिम्मेदारी होती है। हुकूमत चलाना कोई आसान चीज नहीं है, खिलाफत चलाना कोई आसान चीज नहीं है, ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपने फरमाया, ये अबू याला की रिवायत है, मेरी उम्मत पर सबसे ज्यादा नर्म पूरी उम्मत में अगर कोई है तो वो कौन है? अबू बकर है। इसी तरह से हुदैफा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कुन्ना जुलूसन इंद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। फकाला इन्नी ला अदरी मा बकाई फीकुम, मैं नहीं जानता तुम में मैं कितना रहूंगा, मैं नहीं जानता मैं तुम्हारे बीच कितना और रहने वाला हूं। फक्तदू बिल्लदैन मिन बादी व अशारा इला अबी बकर व उमर। का मेरे बाद तुम दो की इक्तिदा करना, दो लोगों के नक्शे कदम पर चलना, और आपने इशारे से बताया कौन है? अबू बकर और उमर है। मेरे बाद तुम इन दो के तरीके पर चलना है, मेरे बाद तुम इन दो को अपने लिए रहनुमा और रहबर मानकर चलना है। तो इन पर इतना एतमाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि अपने बाद अगर उम्मत की रहबरी करने वाला कोई है तो वो कौन है? अबू बकर और उमर। ये खुद इस बात की दलील है कि उम्मत की रहबरी करने के लायक, खलीफा बनने लायक सबसे ज्यादा कौन है? अबू बकर है। और उनके बाद दूसरा नाम किसका आ रहा है? उमर रज़ी अल्लाह तआला का। इस हदीस को इमाम अहमद, तिर्मिज़ी, इब्न माजा और इब्न हिब्बान ने रिवायत किया है। इसी तरह से जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं अन्ना इमराअतन सअलत रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैयन, एक औरत आई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने कुछ मांगा, फअमरहा अन तरजिअ इलैहि, आपने कहा बाद में वापस आना, यानी अभी कुछ है नहीं देने के लिए, अभी नहीं कर सकते हैं, बाद में आना है। फ़क़ालत या रसूल अल्लाह अरअयत इन जिअतु फ़लम अजिदका, कहा अल्लाह के रसूल अगर मैं बाद में आऊं और आप न मिलें तो, आपको न पाऊं तो, न पाऊं का मतलब क्या, सहाबी खुद कहते हैं यानी सहाबी खुद कहते हैं का अन्नहा तानिल मौत, यानी उस औरत का कहना यह था कि अगर मैं चली जाऊं और आपकी मौत हो जाए, आपकी वफात हो जाए और मैं आऊं तो फिर किससे मांगूं, आपके बाद कौन है जिससे मांगा जा सकता है। काला फ़इन लम तजिदीनी फ़अती अबा बकर, अगर तुम मुझको न पाए अबू बकर के पास जाना। इसको इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया। वो लोग जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखते हैं कि आपकी कब्र पर जाकर कुछ भी मांग सकते हैं, वो लोग इस हदीस से सबक लें। आपने नहीं कहा मुझको न पाए तो मेरी कब्र पर आ जा, वहां से दे दूंगा। नबी ने अपनी कब्र पर बुलाया देने के लिए, आपने कहा क्या कहा, अगर मुझको न पाए, अगर मेरी वफात हो जाए, यही माना है क्योंकि रावी वही कह रहे हैं, तो तुम मेरे बाद किसके पास जाना, अबू बकर के पास जाना। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी वफात से पहले कोई चीज मांगनी हो तो मांगा जा सकता था, लेकिन आपने अपनी वफात के बाद अपने पास बुलाया नहीं, आपने कहा अबू बकर के पास, क्योंकि सखी किसी और के पास नहीं भेजता है, सखी किसके पास भेजता है, अपने पास बुलाता है, आओ मैं दूंगा, जब मैं दे सकता हूं दूसरे के पास क्यों भेजूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर दे सकते तो आप अपनी कब्र पर बुलाते, लेकिन कब्र पर जाकर मांगा जाता है, नहीं मांगा जाता। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस से हमको तालीम दी है। समझने वाला समझ सकता है, नहीं समझने वाले के ऊपर इल्म की बारिश भी हो तो वो उसको कुछ फायदा होने वाला है नहीं। इससे भी एक दलील मिलती है कि आपके बाद उम्मत के मामलात किसको क्या देना है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैना अना नाइम, मैं सोया हुआ था, राइतु अन्नी अला हौदिन अस्की नास, मैंने अपने आप को देखा मैं एक हौज पर हूं, लोगों को पानी पिला रहा, मैं एक हौज पर हूं, लोगों को पानी पिला रहा, यानी एक पानी निकाल निकाल के मैं लोगों को पिला रहा हूं। फअतानी अबू बकर फअखद अद्दलवा मिन यदी लियुरीहनी, इतने में अबू बकर आए और मेरे हाथ से उन्होंने डोल ले लिया जिससे पानी निकाल कर मैं लोगों को पिला रहा था, आपने मेरे हाथ से लिया ताकि मुझको आराम दें, ताकि मुझको आराम दें, मेरे हाथ से डोल लिया। फनज़अ ज़नुबैन वो फी नज़इही ज़अफ़ुन वल्लाहु यग़फ़िरु लहु, कहा कि फिर उन्होंने डोल से पानी निकालना शुरू किया तो दो डोल उन्होंने निकाली और उनके निकालने में थोड़ी कमजोरी थी, उनके निकालने में थोड़ी कमजोरी थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आपने दुआ की उनके लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। फ़अता इब्नुल ख़त्ताब फ़अख़ज़ मिन्हु, उनके बाद डोल लेने के लिए कौन आए, इब्नुल ख़त्ताब, उमर इब्न ख़त्ताब, और उन्होंने उससे लिया। फलम यजल यंज़िउ हत्ता तवल्ला नास वल हौद यतफज्जर, वो ऐसा दमादम खींचते रहे डोल, एक के पीछे एक ऐसा खींचते रहे डोल कि सारे लोग सैर हो गए और वापस लौटे और हौज से पानी गोया के उबलने लगा, इतना खींचा। क्योंकि उनका जमाना लंबा है और इतनी फतुहात हुई उनके दौर में, ये इशारा है, उलमा ने कहा, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, उलमा ने कहा ये इशारा है कि पहले खलीफा कौन होंगे, अबू बकर सिद्दीक। लेकिन उस दौर में मुसलमानों की हालत कैसी थी, कमजोर थी, कई फितने थे, कई मसाइल थे, मुसलमा का मसला और ज़कात नहीं देंगे का मसला और क्या कुछ नहीं मसाइल, मुर्तद हो रहे हैं लोग। तो वो 2 साल थे, कमजोरी का दौर था, माल दौलत की कमी थी मुसलमानों के पास। लेकिन उसके बाद जब उमर रज़ी अल्लाह तआला खलीफा बने तो हुकूमत दूर दूर तक फैल गई और इन्होंने इतने डोल खींचे कि सब सैर हो गए, इतना आया मुसलमानों के पास। ये ख्वाब था किसका, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि आप पानी पिला रहे थे उम्मत को, आपके बाद डोल किसने हाथ में लिया, अबू बकर सिद्दीक़। ये आपकी खिलाफत की दलील है। इसी तरह से अबू मूसा रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, मरिदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फश्तद्द मरदुहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए और आपकी बीमारी और ज्यादा शिद्दत पकड़ती चली गई। फ़क़ाल मुरू अबा बकरिन फ़ल्युसल्लि बिन्नास, आपने कहा लोगों अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए, अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए, इमामत करे लोगों की। क़ालत आयशा इन्नहु रजुलुन रक़ीक़, आयशा कहने लगी अल्लाह के रसूल वो बड़े नरम दिल हैं, बड़े नरम दिल हैं। इदा क़ाम मक़ामका लम यस्तति अन युसल्लिय बिन्नास, आपकी जगह ठहर कर लोगों को नमाज पढ़ाएं वो नहीं पढ़ा सकते। जहां आपका मुसल्ला है उस पर खड़े होकर वो नमाज पढ़ाएं, नरम दिल हैं, रोने लगेंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे, नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। काला मुरु अबा बकर फल्युसल्लि बिन्नास, आपने कहा नहीं अबू बकर को हुक्म दो, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। फ़आदत, हज़रत आयशा ने फिर यही बात कही। हज़रत आयशा की रिवायत में फरमाती मैं नहीं चाहती थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह ये खड़े हों, आपकी वफ़ात हो तो इन पर बुरा, लोग इनके बारे में बुरा सोचने लगेंगे, देखो नबी की जगह खड़ा हुआ, नबी की वफ़ात होगी, तो मैं नहीं चाहती थी मेरा बाप खड़ा हो, इनके बारे में लोगों के दिलों में बुरी बात है कि कहीं से नबी के जाने के वक्त ये जगह पर खड़े हो गए। तो कहा कि मैं नहीं चाहती थी। फ़आदत, दोबारा कहा कि अल्लाह के रसूल नहीं पढ़ा पाएंगे वो। फ़क़ाल मुरी अबा बकर फ़ल्युसल्लि बिन्नास, अबू बकर से तुम कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाए। फ़इन्ना कुन्ना सवाहिब यूसुफ, तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की दौर की वो जो औरतें थीं उन्हीं की तरह तुम भी हो, यानी रुकावट डाल रही हो, रुकावट डालती हो। फ़अताहु रसूल फसल्ला बिन्नास फी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, आपकी हयात में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खुद नमाज पढ़ाई मुसलमानों को। ये बुखारी और मुस्लिम दोनों की रिवायत है। ये खुद इस बात की दलील है कि आपने अपनी हयात में अपने मुसल्ला पर खड़ा होने और उम्मत की इमामत के लायक उस आदमी को तस्लीम किया जो उम्मत की खिलाफत का हकदार था। कौन था वो इंसान? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आपकी जगह खड़े होकर नमाज पढ़ाए। कौन लायक था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, जो नबी की निगाह में उम्मत को नमाज पढ़ाने के लायक हो। वो उम्मत के दुनिया मामलात संभालने के लायक नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा अमल क्या है? नमाज। इसके लिए इमाम बना रहे हैं, बाकी चीजें तो उससे छोटी हैं। यही बात हज़रत उमर ने कही थी, यही बात हज़रत उमर ने कही थी अल्लाह के नबी, और वाज़े अल्फाज में आपने खिलाफत का हुक्म दिया है। मसलन हज़रत आयशा फरमाती हैं, क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मरदी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीमारी में कहा, उदई ली अबा बकरिन अबाकी व अखाकी हत्ता अक्तुबा किताबन, जाओ हज़रत आयशा से कहा कि अपने बाप को और अपने भाई को अबू बकर को बुला ले आओ। हज़रत अबू बकर वालिद हैं हज़रत आयशा के, बाप हैं। कहा कि अपने वालिद को और अपने भाई को बुला लाओ मेरे लिए। हत्ता अक्तुबा किताबन, यहां तक कि मैं एक किताब, एक चीज लिखवा दूं, एक चीज लिखवा दूं। फ़इन्नी अख़ाफ़ु अन यतमन्ना मुतमन्निन, इसलिए कि मैं डरता हूं कहीं कोई तमन्ना करने वाला तमन्ना न करने लगे। वयक़ूलु क़ाइल अना औला, और कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहने वाला कहे कि मैं ज्यादा हकदार हूं। किस चीज का? खिलाफत का। मैं ज्यादा हकदार हूं, कोई कहने ना लगे। बुलाओ अपने बाप को, अबू बकर को और अपने भाई को। वयअबल्लाहु वल्मुमिनूना इल्ला अबू बकर, और अबू बकर का मामला यह है कि खुद अल्लाह ताला और ईमान वाले अबू बकर के सिवा हर एक का इनकार करते हैं। अल्लाह खुद इनकार करता है, यानी अबू बकर के सिवा और कोई खलीफा होने लायक है? उनकी मौजूदगी में कोई और खलीफा होने लायक नहीं हो सकता है। तो खुद अल्लाह इनकार कर रहा है, ईमान वाले इनकार कर रहे हैं कि अबू बकर के सिवा कोई और खलीफा बन पाए। तो यहां पर इस हदीस को इमाम बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत के, इससे वाज़ेह अल्फाज में मालूम पड़ता है कि आपके नजदीक खिलाफत का हकदार अगर कोई था आपके बाद, तो कौन था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इसीलिए आपकी वफात के बाद एक इख्तिलाफ हुआ मुसलमानों में। उस इख्तिलाफ में भी उमर रज़ियल्लाहु तआला ने यही बात कही थी, और सारे मुसलमान उसके बाद क्या हो गए? उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत पर मुत्तफिक हो गए। इख्तिलाफ वक्ती था, उसके बाद इत्तिफाक हो गया। अब्दुल्लाह रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, लम्मा क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालतिल अंसारु मिन्ना अमीर व मिनकुम अमीर। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो अंसार कहने लगे मुहाजिरीन से कि एक अमीर हम में से हो और एक अमीर तुम में से हो, एक अमीर हम में से हो और एक अमीर तुम में से हो। क़ाल फ़अताहुम उमर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए और कहा, या माशरल अंसार अलस्तुम तअलमून अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमरा अबा बकर अन यउम्म अन्नास। कहा कि ऐ अंसार, क्या तुमको नहीं मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की इमामत का हुक्म अबू बकर सिद्दीक को दिया था। आपने उम्मत की इमामत, नमाज में इमाम बनने का हुक्म किसको दिया था? अबू बकर को दिया था। कहा कि फ़अय्युकुम ततीबु नफ्सुहु अन यतक़द्दम अबा बकर, तुम में से कौन इस बात की जुर्रत कर सकता है कि वो अबू बकर से आगे बढ़े। अब बताओ कि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे आगे करके इमाम बनाया, सब इसके पीछे मुक्तदी बन के खड़े होंगे, ये सबका इमाम बन के आगे खड़ा होगा। अब तुम में से कौन है जिसका जी ये पसंद करता है, जिसको, जिसके दिल को ये बात अच्छी लगती है कि वो अबू बकर से आगे खड़ा हो जाए, कौन है तुम में से? फ़क़ालू नऊज़ु बिल्लाहि अन नतक़द्दम अबा बकर। सब लोगों ने एक ज़बान होकर कहा, अल्लाह की पनाह इस बात से कि हम अबू बकर से आगे बढ़ जाएं। और सब के सब क्या हो गए? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर मुत्तफ़िक़ हो गए और उनको खलीफा सबने तस्लीम कर लिया। तो ये सहाबा का इजमा था इनकी खिलाफत पर। इसको इमाम अहमद, हाकिम, बैहक़ी ने और इब्न अबी आसिम ने अपनी किताब सुन्ना में जिक्र किया है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई और सारे सहाबा परेशान हो गए और ये सदमा इतना बड़ा था कि सहाबा हिला दिए गए। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा आदमी कह रहा था कि जो कहेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत और वफ़ात हो चुकी है, उसकी गर्दन मार दूंगा मैं। उस वक्त में जो आदमी, जो शख्स अपनी जगह पर कायम था और हिम्मत का पहाड़ बना हुआ था, वो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। आपके कमरे में गए, आपके चेहरे से कफन हटाया, पर्दा हटाया, चादर हटाई, आपकी पेशानी पर बोसा दिया और कहा कि मेरे माँ बाप आप पर फिदा हों, आप अपनी जिंदगी में भी उम्दा पाकीज़ा थे, आपकी वफात के बाद भी आप उम्दा और पाकीज़ा हैं। और आपके चेहरे को उड़ा दिया और फिर मस्जिद में गए, देखा हज़रत उमर चिल्ला रहे हैं, कहा बैठ जाओ। हज़रत उमर सुनने के लिए तैयार नहीं, होश में नहीं, गए मिंबर पर खड़े हो गए और बहुत ही उम्दा खुतबा दिया, जिसमें एक जुमला ये कहा कि मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था, अगर कोई ऐसा था तो इस बात को जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात, आपकी मौत हो चुकी है। और जो अल्लाह की इबादत करता था वो याद रखे कि अल्लाह अब भी जिंदा है, उसको मौत नहीं आने वाली है। यानी तुम मुर्तद हो जाओगे, तुम फिसल जाओगे, तुम कमजोर पड़ जाओगे। नबी के चले जाने से तुम्हारा भरोसा नबी पर था या अल्लाह पर था? तुम्हारा भरोसा किस पर? अल्लाह तो जिंदा है ना, नबी गए तो क्या हुआ, अल्लाह तो जिंदा। तवक्कुल का पहाड़, अल्लाह पर भरोसा है। सारे सहाबा फिर से होश में आए। बाद सहाबा ने कहा, गोया कि हमको ऐसा लगा गोया कि आधी आयत नाजिल हुई, इससे पहले हमको याद ही नहीं था कि ये भी आयत कुरान में है। इतना इल्म अबू बकर सिद्दीक का था। याद रखिए, जहनी टेंशन के वक्त में, सदमे के वक्त में इल्मी मकाम पर कायम रहना ये बहुत बड़ा कमाल है। अच्छे अच्छे लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें टेंशन में, लेकिन ये वो शख्सियत थी, ऐसे सदमे और गम के वक्त में भी ये कायम थे। और सारे सहाबा को उन्होंने जोड़ के रखा और सारे सहाबा को उन्होंने वाकई हक पर कायम रखा और उन्हें सहाबा को टूटने से बचाया। ये एक शख्सियत थी जिसके एक जुमले से और एक खिताब से उम्मत में ये तब्दीली आती, कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। या उमर जैसा आदमी भी उस वक्त में क्या हाल हो गया है, लेकिन ये आदमी है, ये बहादुरी, इसको कहते, बहादुरी दिखाने की चीज नहीं होती है। बहादुरी अपने आप दिखाई देती है उसके मौके पर। और ये वक्त था जिसमें उम्मत का ये सबसे अजीम शान इंसान, जो क़ियामत तक के इंसानों के लिए उसवा और नमूना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और ये सबके सामने आ गया कि वाकई खिलाफत का अगर हकदार है कि जो हिलता नहीं है परेशानी के वक्त में, ये वो आदमी है। और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वाकई ऐसे साबित हुए। आखिरी वक्त में जब उनकी वफात हुई तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये आखिरी बात बताता हूँ। आखिरी वक्त में जब इनकी वफात का वक्त आया, 2 साल के बाद इनकी वफात हो गई, 2 साल खलीफा रहे, उसके बाद वफात हो गई। आखिरी वक्त में कहा था आयशा से, अब्दुल रज़ाक ने इसको रिवायत किया, कहा कि ये मेरे जो 2 कपड़े हैं, मेरी वफात के बाद में जिस लिबास में मौत हुई है, वफात हुई है, कहा कि ये जो मेरे कपड़े हैं मुझको इसी में मुझको इन्हीं 2 कपड़ों में मुझको कफन दे देना। तो आयशा ने कहा आपके लिए नया कपड़ा नहीं लाए, इन्हें आपके लिए कफन दूसरा लाया जाएगा, हर एक के लिए कफन होता है। कहा कि नहीं, उसके लिए नए कपड़े के लिए जिंदा ज्यादा हकदार है, नए कपड़े के लिए जिंदा को दे देना, मुझको ये जो कपड़े हैं मेरे, ये जो लिबास है, मेरी चादर है, इसी में मुझको दफन कर देना, इसी में मुझको कफन दे देना। और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को जब बात मालूम हुई और पीछे आपने बहुत थोड़ा सामान छोड़ा और कहा कि ये जो मेरी चीजें इतनी, ये मेरे बाद जो उमर को दे देना। अब उमर को जब ये चीजें दी गई तो रोने लगे और कहा बाद वाले को बड़ी मुश्किल में डाल कर गए हैं, यानी मेरे लिए जो स्टैंडर्ड इन्होंने तय किया है अपने अमल के जरिए से, तो मेरे लिए बहुत तंगी पैदा करके चले गए, अब मुझको इनके पीछे चलना पड़ेगा। जैसी जिंदगी गुजार के गए, अपने बाद वाले के लिए बहुत ही तंग मामला करके गए, बहुत ही मुश्किल मामला करके गए। तो ये वो शख्सियत है जो इस्लाम की सबसे अजीम शान शख्सियत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। इनका जितना तज़किरा, मैं तो बहुत थोड़ा बयान किया हूँ, अब इनकी ज़िंदगी के और वाक़यात में बयान नहीं किया हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात सुनने वाले भी थक जाते हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि इसी पर इक्तिफ़ा करूँ, वरना और भी बातें इनकी हैं। जो चाहता है, मुस्तकिल किताबें सीरत की लिखी हुई हैं, तो वो मुताला उसमें कर सकता है कि इनकी शुजाअत का क्या हाल था, इनके इल्म का क्या हाल था, इनके फ़ैसलों में क्या बात थी, और कितने अक्लमंद थे और कितनी सलाहियत वाले थे, सारा मामला उस सीरत की किताबों में पढ़ सकता है। ये कुछ बातें थीं जो मैंने बतौर मिसाल पेश की हैं। अल्लाह ताला हमको सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की और उनकी इक्तिदा करने की तौफीक अता फरमाए, उनसे मोहब्बत करने की और उनके लिए अल्लाह से दुआ मांगने की और उनके मकाम को समझने और पहचानने की तौफीक अता फरमाए।